हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं सीए चिरंजीव जैन और अन अकादमी मिलके आप सभी के लिए लेके आ रहे हैं सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पेपर के लिए बैच, जो कि नवंबर 2024 के लिए एप्लीकेबल होगा। दिस बैच विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। व्हेन आई से इंग्लिश लैंग्वेज, इट मींस इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिंदी प्लस इंग्लिश, जहां पर कॉन्टेंट टू इंग्लिश में होगा बट एक्सप्लेनेशन हिंदी में दी जाएगी। एज यू नो दैट आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 15 ईयर इन हैदराबाद साउथ इंडियन टेरिटरी, जो कि एंड मेरी लेक्चर्स प्राय इंग्लिश में होती है। विद द हेल्प ऑफ अन अकेडमी आई एम रीस्टार्टिंग माय टीचिंग वेंचर इन हिंदी लैंग्वेज। नाउ द स्टूडेंट हु नोज मी एंड द स्टूडेंट हु डोंट नोज मी, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरी पूरी टीचिंग इज बेस्ड ऑन 5 प्रिंसिपल। फर्स्ट, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। सेकेंड, फुल कवरेज ऑफ ICAI क्वेश्चंस। थर्ड, आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स। फोर्थ, रिविजन वीडियो। And fifth, writing practice through test series. Now let me define each principle. When I say conceptual understanding, तो मेरा ये मानना है कि अगर exam में कोई नया question आएगा तो student उसे तभी कर पाता तब जब वो conceptually हर बात को जानता हो। So for that we provide 2 volume of India Sarans book और हम detail में हर para को समझते हैं। Coming to the फुल कवरेज ऑफ ICAI रिसोर्स, तो मैंने इसे ICAI रिसोर्स, इट मीन ICAI स्टडी मटेरियल, RTP, MTP एंड पास्ट एग्जाम क्वेश्चन। और इसके लिए हम क्या करते हैं, वी प्रोवाइड 4 वॉल्यूम्स ऑफ क्वेश्चन बैंक, जो कि पूरे कवरेज करती है इन सब क्वेश्चंस की। इन क्लास वी नॉर्मली टेक ऑल द वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस, जो सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं उसे हम होम असाइनमेंट के लिए देते हैं, अगर उसमें कोई डाउट हो तो उसे हम क्लास में करवाते हैं। द थर्ड प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन आंसर स्ट्रेटजी, तो क्लास में मैं क्वेश्चंस पूछता हूं ताकि स्टूडेंट अपने थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा पाए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एग्जाम में क्वेश्चन सभी खो पाएगा जब वो सोचने की शक्ति को बढ़ाए। तो आई आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चन सो दैट दे इंक्रीज देयर थिंकिंग एबिलिटी इन द क्लास ओनली। फोर्थ, वी प्रोवाइड रिविजन वीडियो आफ्टर द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास, ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट रिटेन कर पाए ज्यादा समय के लिए। रिविजन वीडियो इज रिक्वायर्ड फॉर रिटेंशन पर्पस। आप समझ तो चुके हो लेकिन उसको रिटेन तभी कर पाओगे जब आप उस वीडियो को बार बार सुनो, उस कॉन्सेप्ट को बार बार सुनो। लास्ट, राइटिंग प्रैक्टिस। ऑफकोर्स अगर आप किसी चीज को जानते हो लेकिन अगर लिख नहीं पाओ तो एग्जाम में कोई फायदा नहीं। उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम 9 चैप्टर वाइज टेस्ट प्रोवाइड करते हैं एंड 3 क्यूमुलेटिव टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपका हर चैप्टर्स में लिखने का भी प्रैक्टिस बढ़े, सोचने की एबिलिटी बढ़े और इस तरह से आप एक ओवरऑल अप्रोच को अपना पाए और एग्जाम में पूरे कॉन्फिडेंस से जाए। थैंक यू वेरी मच। मीट यू सून इन माई क्लास। ऑल द बेस्ट।